हरता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश। मेरे विघ्नहर्ता बार बार मेरे विघ्नकर्ता क्यों बन जाते हैं? हे प्रभु, ये आपका कैसा अन्याय है? मैंने सदैव आपकी पूजा की, आपकी अर्चना की, और उसका ये परिणाम दे रहे हैं आप। बार बार मुझे असफल कर आप अपने भक्त की भक्ति का अपमान क्यों कर रहे हैं? भक्ति तुम क्या जानो भंडा सुन, परमात्मा के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। उस प्रेम से जुड़ी श्रद्धा भक्ति है। जो तुमने किया वो भक्ति नहीं, स्वार्थ था। और अपने जनदाता के प्रति तुम्हारा आचरण सर्वथा अनुचित था। मेरा आचरण उचित हो या अनुचित, इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं वही करूंगा जो मैं करता आया हूं। और हाँ, ये भी सुन लो सभी कि गणेश मेरे जन्मदाता नहीं, अभी तो स्वयं मैं ही अपना जन्मदाता हूँ। जिस गणेश जी को आप लोग बहुत ही बुद्धिमान और चतुर कहते हो, वो तो बहुत ही सरल है। और इसी का लाभ उठाया मैंने और विवश किया कि मेरे आकार को साकार करें। इसीलिए मैं ही स्वयं हुए हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही स्वयं हुए हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। यही नहीं, मैंने अपने जन्म के पश्चात भी अनेकों बार उनका लाभ उठाया है। मोदक के बंधन में बांध कर उन्हें अमरपुर में ही रहने पर विवश कर दिया था मैंने। इतना ही नहीं, जब ये बालिका रश्मि प्रभा को बचाने आए थे, मैंने फिर इनके स्वभाव का लाभ उठाकर इनके सामने से ही रश्मि प्रभा को अपने साथ ले गया। इन वृद्धा के इस अंतिम चरण में तुम प्रभु गणेश जी का आवाहन कर अपने स्थान पर उनसे इन वृद्धा के हाथों खीर खाने का अनुरोध कर सकती हो। इसलिए इन्हें चतुर समझना तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है देवी। भंडासुर, बहुत बोल चुके हो तुम, ये मत भूलो कि गणेश बुद्धि और ज्ञान के देवता हैं। ओहो, पुनः वही राग। तो फिर ये बताओ, प्रत्येक बार जब मैंने इनका लाभ उठाया तो गणेश जी ने मुझे रोका क्यों नहीं? यदि वास्तव में ये गणेश जी मुझसे अधिक चतुर हैं, तो स्वीकार करें मेरी चुनौती और मेरे अगले प्रहार को अपनी बुद्धि और चतुराई से रोक कर दिखाएं। कदाचित तुम्हें पराजित होने की अत्यंत शीघ्रता है, इसीलिए गणेश का हस्तक्षेप चाहते हो ना तुम? उचित है, तुम्हारी ये चुनौती स्वीकार है मुझे। तो भंडासुर, अब तुम अपनी संपूर्ण बुद्धि और चतुराई से अपने अस्त्रों का चुनाव करो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि जब तक तुम्हारे अस्त्र और उसकी शक्ति के तत्व को समझकर स्वयं विघ्नहर्ता गणेश मुझे उसका तोड़ नहीं सुझाते, मैं तुम पर अपने किसी भी अस्त्र का प्रहार नहीं करूंगी। अब ये युद्ध मात्र गणेश की बुद्धि से ही लड़ा जाएगा। गणेश की विफलता मेरी विफलता होगी। मुझे स्वीकार है। माता ने ये युद्ध की कैसी अवस्था रख दी?
सामर्थ्य और बुद्धि का प्रयोग कल्याण के लिए किया जाता है, न कि विनाश के लिए। भंडासुर, उनकी परीक्षा केवल उन्हें बढ़ चढ़ कर बताने से नहीं, अभी तो अवसर आने पर उसके उचित प्रयोग से होती है। और उसका ज्ञान तुम्हें अभी इसी युद्ध में हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा तुम कि तुम क्या, मैं क्या, और ज्ञात हो जाएगा कि कौन और क्या है प्रथम पूज्य गणेश। मेरे आदेश के अनुसार तुम अभी तक इस युद्ध भूमि से दूर थे, और अब मेरे ही आदेश इस युद्ध में तुम मेरा साथ दोगे। अब हमारी देवी सेना में कोई भी देवी अपना अस्त्र तब तक नहीं उठाएगी जब तक तुम इस दुष्ट के अगले प्रहार का सत्व समझकर हमें उसका तोड़ नहीं बताते। हाँ, आशीर्वाद तो चाहिए ही आपको गणेश जी, आप भगवान अवश्य हैं, किंतु जिसे आज से पहले ना कोई प्राप्त कर सका और ना ही कोई प्रयोग कर सका मेरे उस भयंकर और रहस्यमयी अस्त्र का सामना करना है आपको। मैं उसका सामना अवश्य करूंगा भंडासुर। और रही बात आशीर्वाद की, तो सबके अस्तित्व और शक्ति की स्रोत माता ही तो है। अहंकार के विकार में डूबकर भंडासुर ये भी भूल गए कि जहाँ मंगल मूर्ति गणेश, वहीं मंगल शुभता है, और ये दिव्य प्रकाश उनके आगमन से देवी सेना में उसी शुभता के विस्तार का प्रतीक है। पराजय तो उसकी होती है प्रभु, जिसे कुछ खोने का भय हो, किंतु मैं तो अपनी विजय के लिए कोई भी मूल्य चुका सकता हूँ, जिसका प्रमाण तो आपको तभी प्राप्त हुआ था जब स्वयं अपने हाथों से अपनी प्रिय पुत्री के प्राण छीने थे मैंने। उस अचूक महाअसुरी महास्त्र के होने के कारण विजय के लिए मुझे इस सेना की कोई आवश्यकता नहीं। स्नेह रूपी अपनी दुर्बलता को पराजित कर अपनी जय का वो क्रम आरंभ किया जिसका अंत मेरे सामने खड़ी इस नारी की पराजय से ही होगा। अब ये युद्ध मैं नहीं, मेरा अस्त्र लड़ेगा, और ये अस्त्र आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा, आपको किसी का स्मरण भी करवाएगा।
महा दानव रूपी क्या है ये अत्यंत भयानक पर्वत? भंडासुर इस अंधकारी पर्वत का कैसा भयानक प्रयोग करेगा? अब ये मेरा महाआसुरी अस्त्र और मेरे पीछे स्थित इसकी शक्ति मेरी इच्छा अनुसार मेरे लिए युद्ध करने के लिए पर्याप्त है। महाआसुरी मास्त्र प्राप्त कर अपार आसुरी शक्ति का स्वामी बन गया है महासुर भंडासुर। मैं आप सबको पुनः एक अवसर दे रहा हूँ, तो विलंब किस बात का प्रमाणित कीजिए कि आप सबका कोई अस्तित्व है। विजय प्राप्ति के बाद मेरे साथ इस सृष्टि पर अनंत काल तक राज करने का अवसर प्राप्त कीजिए। हाँ, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। तैयार हैं। तैयार हैं। देवी, अब मेरा अगला और भयंकर प्रहार सहने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए असुर सम्राट महिषासुर। प्रथम आक्रमण आपको ही करना होगा। एक नारी ने ही आपका अपमान कर आपका वध किया था ना? तो अब इस युद्ध भूमि में इस नारी को पराजित कर अपनी उस पराजय का प्रतिशोध लीजिए। असुर के सभी असुर महायोद्धाओं का तो अंत हो चुका है, तो फिर ये कौन है? प्रभु, जब तक आप ये समझ पाएंगे कि ये सब कौन है, क्या है और मेरे इस अस्त्र का तत्व और तोड़ क्या है, तब तक ये अपने प्रहार में सफल हो चुका होगा। और वैसे भी आप पर तो मेरे अस्त्र का दूसरा ही प्रभाव होगा। जिस स्मृति अस्त्र का प्रयोग मैंने किया है उसके प्रभाव से आप विचलित हो जाएंगे। भंडासुर ने एक साथ दो प्रहार किए हैं। एक और तो उसने माताओं को शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए अपनी महिष सेना का आवाहन किया है, तो दूसरी ओर रश्मि प्रभा का स्मरण कराकर उसने अनुज गणेश पर भी मानसिक प्रहार किया है। भ
भंडासुर, जो भी किसी को प्रिय होता है उसकी स्मृति दुर्बलता नहीं अपितु प्रेरणा का भाव जगाती है। कौन हो सकते हैं ये महेश? क्या हो सकता है इनका मूल तत्व और क्या है भंडासुर के इस प्रहार का तोड़? सोच क्यों नहीं रहा है? कहीं मुझे विलंब ना हो जाए। माताएं इस प्रकार कब तक अपनी रक्षा कर सकेंगी? मैं अब तनिक भी विलंब नहीं कर सकता। किंतु ये अस्त्र क्या है? इसका तोड़ क्या है? कुछ समझ नहीं पा रहा हूं मैं। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समता बनाए रखता है वो स्थिर बुद्धि है और ऐसा व्यक्ति हमेशा विजय प्राप्त करता है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।